लेकिन आज की बातचीत हम दरअसल शुरू करना चाहते हैं एक मशहूर पत्रकार, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के मशहूर पत्रकार है, जिनका नाम है टॉमस फ्रिडमैन। टॉमस फ्रिडमैन ने 25 सितंबर को, यानी अब से कुछ दिन, एक हफ्ते पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना एक कॉलम, वो कॉलमनिस्ट है, हर हफ्ते लिखते हैं, उन्होंने अपना एक कॉलम लिखा था और उस कॉलम में उन्होंने बहुत ही ऐसी बातें कही थी जो दरअसल लोग कम कहते हैं। टॉमस फ्रिडमैन ने साफ तौर पर तीन बातें कही थी। पहली बात ये कही थी कि ईरान बड़ी मुस्तैदी के साथ इसराइल को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि इस बात को इसराइल समझ नहीं रहा है। और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि जो वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसराइल को संकट में डाल रहे हैं। इन तीन चीजों के मुतल्लिक उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने कहा था कि क्या समाधान हो सकता है। लेकिन उस पर जाने के पहले आपको हम बता दें कि दरअसल टॉमस फ्रिडमैन का आर्टिकल के कुछ हिस्से आपको हम अपनी स्क्रीन पर नजर डालें तो आपको देखेंगे, जिसमें टॉमस फ्रिडमैन ने लिखा है, यह ट्रैप है, बाइडेन प्रशासन ने इसराइल को इस ट्रैप में गिरने से नहीं रोका। यानी ईरान लगातार इसराइल को अपने ट्रैप में लाने की कोशिश कर रहा है। यहूदी राज्य गहरे संकट में है। ईरान की बड़ी योजना है कि इसराइल को धीरे धीरे खत्म किया जाए, अमेरिका के सहयोगियों को कमजोर किया जाए और क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को कम किया जाए। उसके बाद टॉमस फ्रिडमैन आगे लिखते हैं, ईरान अपने साथियों की मदद से इसराइल का रक्त बहाकर मारना चाहता है, वॉन्ट टू ब्लीड इसराइल टू डेथ। जंग का फौरी कारण है कि ईरान हमास नहीं चाहते कि बाइडन इसराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी सऊदी के बीच शांति स्थापित कराने में कामयाब हो। इसके बाद वो आगे लिखते हैं, ईरान हमास की योजना है कि इसराइल को हमास, हिजबुल्ला, हूती, इराक में ईरान समर्थक शिया चरमपंथी और वेस्ट बैंक के मिलिटेंट की मदद से चारों तरफ से घेर लिया जाए। अगर आज आप देखें तो इसराइल पे हमास का हमला है, हिजबुल्ला का हमला है, हूती का हमला है। तो एक तरीके से उनके कहने का मतलब है कि चारों तरफ से ईरान ने घेर रखा है। ईरान की रणनीति है कि फिलिस्तीनियों और लेबनानियों की मौत हो लेकिन एक भी ईरानी न मरे। फिर आगे लिखते हैं, इसराइल की दिक्कत यह है कि जब उसका अस्तित्व संकट में है तो नेतन्याहू अपनी राजनीति बचाने में लगे हुए हैं। यानी इस पूरे घटनाक्रम को टॉमस फ्रिडमैन बिल्कुल एक अलग नजर से देखते हैं। उनका कहना यह कि ईरान बहुत चालाकी के साथ इसराइल को अपने जाल में, अपने ट्रैप में लाने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे अपनी तरफ लाकर वांट्स इसराइल टू ब्लीड टू डेथ। और यह दरअसल इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा संकट है। फिर टॉमस फ्रिडमैन बताते हैं क्या चीजें दरअसल इसराइल को करनी चाहिए। उनका कहना कि बहुत वक्त लेना होगा, ईरान के सहयोगी रातों रात खत्म नहीं होंगे, बड़े पैमाने पर रिसोर्सेस को इकट्ठा करना होगा, अरब यूरोप के देशों से गठबंधन करना होगा और अपनी साख खुद की बढ़ानी होगी। फिर वो जो टेंजिबल उसमें आते हैं, वो कहते हैं कि हमास से फौरन सीजफायर होना चाहिए, सऊदी अरब से दोस्ती होनी चाहिए और गजा में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थापना होनी चाहिए। और ये तीन चीजें इसलिए जरूरी हैं ताकि इसराइल का अस्तित्व, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो बच सके। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अमूमन लोगों का यह कहना है कि इसराइल बहुत पावरफुल है, वो ईरान के ऊपर डोमिनेट कर सकता है, हिजबुल्ला का कोई मुकाबला नहीं, तमाम चीजें। वैसे में अगर एक अमेरिकी कॉलमनिस्ट जो जिन्होंने किताब लिखी है फ्रॉम बेरूत टू जेरूसलम और जिनको 3 पुलित्जर अवार्ड मिल चुका है, जो रेगुलरली लिख रहे हैं, उनका यह कहना कि दरअसल ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़े संकट का समय है। ये एक लंबे बहस का मुद्दा है।